Hello dear students, today we are going to study a motivational poem composed by Janet Frank. एक प्रेरणादायक कविता है रिस्क, उसकी आज हम अध्ययन करेंगे और इस अध्ययन में हमारा मेथड होगा, सबसे पहले हम इस पूरी कविता का रिसाइटेशन करेंगे, अनुवाचन करेंगे, उच्चारण करेंगे, उसके पश्चात हम इस पोएम का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के पश्चात हम इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे और आपको कोई भी ऐसा वर्ड या लाइन नहीं रहेगी जो स्पष्ट नहीं होगी, आप प्रत्येक वर्ड का प्रत्येक लाइन का मीनिंग समझ पाओगे, उसकी एक्सप्लेनेशन समझ पाओगे। इसके लिए आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, पूरे वीडियो को देखें। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में बांटा है और वो दोनों पार्ट को आप देख लेंगे तो ये पूरी पोएम आपको समझ में आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसाइटेशन, फोकस ऑन रिसाइटेशन। रिस्क, ये टाइटल इस पोएम का, कंपोज बाय जेनेट रेन द पोइट। लेट्स रिसाइट। टू लव इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, to reach out for another is to risk involvement, to expose feeling is to risk exposing your true self, to place ideas and dream before a crowd is to risk being called naive, being called naive, to love is to risk not being loved in return, to live is to risk dying, to hope is to risk despair, to try is to risk failure, but risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. But risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. Next, the person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing and becomes nothing. They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love, be. Chained by their certitude, they are slaves they have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. It's recitation of this poem. This poem ki hai. कंप्लीट रिसाइटेशन हो गई। इस पॉइंट में रिसाइटेशन का उद्देश्य ये है कि जो भी वर्ड, जिस भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर नहीं है वो क्लियर हो गया और आप इसको कंप्लीटली पढ़ पाएंगे। अब जैसे कुछ वर्ड्स हैं रिस्क, जो कि हमारा टाइटल है, इसको रिस्क पढ़ेंगे। एक ये है NAIVE, इसे नाइव पढ़ा जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, नाइव। कुछ बुक्स में मिसप्रिंट हो गया, नेव लिख रखा है, हो सकता है, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है नाइव, नाइव। इसको देखिए, इसको पढ़ा जाएगा हैजर्ड, हैजर्ड। इसको फॉरफिटेड, फॉरफिटेड। इस प्रकार हमने इस पूरी पॉइंट की रिसाइटेशन की है। हमें इस पॉइंट का रिसाइटेशन करने के पश्चात हम इसके वर्ड टू वर्ड डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में
करेंगे। आपके एक एग्जाम में स्टेंजा आता है, उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पूछा जाता है, तो इस पॉइंट का जो रेफरेंस होगा वो दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क विच इज कंपोज्ड बाय जेनेट रेंड, ऐसे होगा। इसमें रेफरेंस में क्या होता है कि जो स्टेंजा दे रखा है, जो लाइनें दे रखी हैं, वो किस पॉइंट से ली गई है, जैसे यहाँ रिस्क से ली गई है, और उस पॉइम को लिखा किसने है, रचना किसने की है, जैसे यहाँ पोइट जेनेट रेंड ने इस पॉइम को कंपोज किया है, रचित किया, रचना की इसकी। अब देखते हैं हम इससे का एक्सप्लेनेशन और डिफिकल्ट वर्ड्स को साथ लेंगे। देखिए, टू लाफ, लाफ का मतलब हंसना, हंसना, इसका मीनिंग हंसना। Is to risk appearing the fool, the fool, appearing का अर्थ होता है, मीनिंग होता है seeming या looking, प्रतीत होना, दिखना। fool, fool का अर्थ होता है मूर्ख, not wise, बुद्धिमान व्यक्ति न होना। risk, risks का मीनिंग होता है जोखिम, जोखिम, इसका सिमिलर हो सकता है डेंजर, खतरा, टू टेक डेंजर, टू टेक डेंजर, खतरा मोल लेना, संकट को आमंत्रित करना, ये होता है रिस्क। कि हम किसी कार्य को करने के लिए जो संकट मोल लेते हैं, जो समस्या लेते हैं, वो होती है जोखिम। उसके लिए हमें जो परेशानियां सहन करनी पड़ती है वो होती है जोखिम। कवि जेनेट रेंड कह रहा है कि जीवन के प्रत्येक कार्य में जोखिम होता है, लेकिन हमें उन्हें करना, उठाना पड़ता है, क्योंकि हमें क्या रहना है, हमें स्वतंत्र रहना है, हमारे जीवन में सफलताएं प्राप्त करनी है, और उनके लिए हमें जोखिम उठाना है। तो देखिए, पॉइंट जेनेट रेंड कौन कौन सी जोखिम में हम हैं, जिन्हें हमें करना पड़ता है जीवन में, उठाना पड़ता है, प्रत्येक का हम लाइन टू लाइन स्टडी कर रहे हैं। टू लॉफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, लॉफ का मीनिंग हंसना, अपीयरिंग का अर्थ होता है प्रतीत होना, सीमिंग द फूल मूर्ख, इसका मतलब ये हुआ कि हंसने में भी मूर्ख बनने का जोखिम होता है। यदि हम कहीं भी हमारी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, हंसते हैं, तो उसमें भी हमें मूर्ख लगने की जोखिम उठानी पड़ सकती है। टू वीप, रोना, रुदन करना, टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, अपीयरिंग का मीनिंग सीमिंग, प्रकट होना, सेंटिमेंटल का मीनिंग होता है इमोशनल, 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 भावुक, इमोशनल का मीनिंग होता है भावुक, भावुक, जो संवेदनाओं में बह जाए, भावनाओं में बह जाए, वो सेंटिमेंटल होता है, भावुक होता है। इसके लाइन का मीनिंग क्या हुआ, वीप, रोना, रिस्क है, जोखिम है, अपीयरिंग सेंटिमेंटल, रोने में भी भावुक होने का जोखिम होता है। कि लोग कहेंगे ये तो हर बात पर रोता रहता है, अर्थात ये तो भाव की व्यक्ति है, इमोशनल है। नेक्स्ट, टू रिच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। पॉइंट जेनेट रेंड कह रहे हैं कि टू रिच आउट, टू रिच आउट का मीनिंग है यहां पर हेल्प, सहायता करना, सहायता करना, फॉर अनदर दूसरों की सहायता करना, किसी दूसरों की, इज टू रिस्क, उसमें भी जोखिम होता है, इन्वॉल्वमेंट, संलिप्तता का, इन्वॉल्वमेंट का अर्थ होता है संलिप्तता, शामिल होना किसी कार्य में, खुद का शामिल होना, अपना हित देखने की जोखिम रहती है। संलिप्तता का अर्थ यहाँ खुद स्वयं का हित देखना, उसका जोखिम रहता है। किसमें,
यदि हम दूसरों की सहायता करते हैं तो लोग क्या समझेंगे कि हो सकता है इस कार्य में भी इसका कोई निहित स्वार्थ है, इसीलिए वह उसकी सहयोग कर रहा है, सहायता कर रहा है। अर्थात दूसरों का सहयोग करने में भी जोखिम रहता है संलिप्त होने का। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। टू एक्सपोज प्रकट करना, व्यक्त करना, व्यक्त करना, फीलिंग्स भावनाएं, इज टू रिस्क उसमें भी जोखिम है एक्सपोजिंग प्रकट होने की, किसकी ट्रू सेल्फ सच्चाई की, सच्चाई सत्यता की, ट्रू सेल्फ सत्यता सच्चाई। यदि हम एक्सपोज करते हैं हमारी फीलिंग्स को किसी दूसरे के सामने तो उसमें भी जोखिम रहता है अपनी सच्चाई प्रकट होने का, खुद की सत्यता का प्रकट होने का जोखिम बना रहता है। फिर भी पोएट जनेट्रेन हमें जोखिम उठाने के लिए प्रेरणा दे रहा है। ये एक स्टेंजा हो गया आपका फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। टू प्लेस आइडियाज ड्रीम्स बिफोर क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नाइव। नाइव प्लेस आइडियाज, प्लेस मनी व्यक्त करना, यहां प्लेस का अर्थ है स्टेट, कहना, बताना, बताना। आइडियाज विचार, ड्रीम्स स्वप्न, स्वप्न। बिफोर अ क्राउड, क्राउड का मतलब मॉब, पीपल, लोग, भीड़। इज टू रिस्क जोखिम है बीइंग होने की, बीइंग यानी होने की। कॉल्ड नाइव, कॉल्ड नाइव, नाइव का मतलब होता है नौसिखिया, नौसिखिया। नौसिखिया का मीनिंग होता है चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक, अर्थात अनुभवहीन, इमैच्योर, अपरिपक्व। नाइव का अर्थ है नौसिखिया, चाइल्ड लाइक, बच्चों जैसा व्यवहार करने वाला, जिसमें परिपक्वता न आई हो वो होता है नाइव। धैर्य रखें, प्रत्येक वर्ड को आपको समझाया जाएगा, टेंशन नहीं ले। टू प्लेस आइडियाज, अपने विचारों को किसी के सामने रखना, अपने सौपन को किसी के सामने रखना, वो भी कहां, भीड़ में, क्राउड में, भीड़ के सामने रखना अपने विचारों को, सौपन को भी, उसमें भी रिस्क है, जोखिम है, क्या होने की, नौसिखिया कहलाने की, नौसिखिया बनने की। लोग कहेंगे ये तो नौसिखिया है, बालक है, भी परिपक्व है नहीं हुआ। यदि हम दूसरों के सामने, भीड़ के सामने हमारे सपन और विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसमें भी हमें नौसिखिया कहलाने का जोखिम रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस, टू लव इज टू रिस्क बीइंग लव्ड इन रिटर्न। टू लव स्नेह, प्रेम, स्नेह, लव प्रेम करने में भी इज रिस्क जोखिम है, किसी से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उसमें भी जोखिम रहता है, किस बात का, बीइंग होने का, बनने का, इन रिटर्न लौटाने का, वापसी का, वापसी का। नॉट बीइंग रिटर्न, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, प्रेम स्नेह वापिस न मिलने का जोखिम रहता है। हम किसी से स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, लेकिन उसमें भी हमारा जोखिम बना रहता है कि सामने वाला जिससे हम स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, वो हमारे से स्नेह रखता है या नहीं रखता, इसका जोखिम बना रहता है। नेक्स्ट, टू लीव इज टू रिस्क डाइंग। टू लीव, टू लीव का मतलब है जीवित रहना, जीवित रहना, जीवित रहना या जीना।
स्टोरीज जीवित रहने में भी जोखिम है, डाइंग मरने की, मरना, मृत्यु का। पोइट जेनेट रेन कह रहा है कि जीवित रहने में भी मरने का जोखिम बना रहता है, क्योंकि हम हमेशा संशय में रहते हैं कहीं हमारे साथ कोई दुर्घटना न हो जाए, तो हमारे को जीने में भी जोखिम होता है, कहीं मर न जाए। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। टू होप, होप का मीनिंग है आशा, आशा। इज टू रिस्क, उसमें भी जोखिम होता है, डिस्पेयर निराशा का, निराशा, निराशा। जोखिम रहता है आशा में भी निराशा का, अर्थात हम किसी के प्रति आशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं किसी से कि वो हमारा भला करेगा, अच्छा करेगा, उसमें भी जोखिम बना रहता है। किस चीज का? कि वो कहीं हमें निराश न कर दे, जो हमारे उसके प्रति आशाएं हैं वो कहीं धूमिल न हो जाए, उसका भी हमें जोखिम बना रहता है, डर बना रहता है। ये सेकेंड स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा यहां से शुरू हो गया। टू होप इज डेस्पेयर, टू रिस्क डेस्पेयर, आशा में भी निराशा के जोखिम है। नेक्स्ट, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। टू ट्राई, प्रयास करना, कोशिश करना, प्रयास। इज टू रिस्क, उसमें भी जोखिम है, फेलियर, असफलता की, है सफलता, ऐसा फेलर, फेल होने की, असफल होने की। प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं किसी कार्य को करने की, लेकिन उसमें भी हमें जोखिम बना रहता है कि कहीं उस कार्य में हम असफल नहीं हो जाएं, फेल नहीं हो जाएं। जैसे हम एग्जाम की तैयारी करते हैं बहुत जोर शोर से, लेकिन उसमें भी हमें संशय बना रहता है कि कहीं अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन हमें फिर भी प्रयास करते रहना है, जोखिम उठाते रहना है, क्योंकि जब तक हम आप हमारे साथ हैं तो कोई जोखिम से डरना नहीं, आप अच्छे अंक, आपके अच्छे अंक जरूर आएंगे। केवल इस चैनल के साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको ये लाइक आए लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को इसको शेयर करें, क्योंकि हम इसकी प्रत्येक जो आपके सिलेबस में पोइम है उनको डिटेल में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और आपको उसका एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस टू ट्रेंड कॉन्टेक्स्ट है वो भी अलग से बताया जाएगा, जो क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड is hazard in life is to risk nothing, is to risk nothing। Poet Janet Rand कह रहा है, but लेकिन risk जोखिम है, must be taken, लिया जाना चाहिए, लेकिन जोखिम तो लिया जाना चाहिए हमें हमारी सफलता को प्राप्त करने के लिए, because क्योंकि, लेकिन साथ में कभी अपना विचार व्यक्त कर रहा है क्योंकि, बिकॉज का मीनिंग है क्योंकि, क्योंकि द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट मानी सबसे बड़ा, हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब जोखिम, सबसे बड़ा जोखिम, डेंजर, हैजार्ड का मीनिंग है डेंजर, हैजार्ड का सिमिलर डेंजर, खतरा, खतरा, जोखिम। लेकिन किसमें सबसे बड़ा खतरा है? इन लाइफ, जीवन में, इज टू रिस्क नथिंग, कोई जोखिम नहीं लेने में। कि जीवन का सबसे बड़ा खतरा, जोखिम तो वो है कि हम कोई रिस्क ले ही नहीं, कि हम केवल हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए और आशा करते रहे कि हमें सफलताएं मिल जाएंगी और हम अच्छे मार्क्स लेके आएंगे या हमारे जीवन में अच्छी रैंक प्राप्त करेंगे, अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे, हमें हमारी मनोवांछित सभी
जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट बी टेकन रिस्क, हमें रिस्क लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जो हैजार्ड है, खतरा है, जोखिम है, वो तो है जब हम रिस्क नहीं लेते हैं, कि हम रिस्क ले ही नहीं, तो वो ही सबसे बड़ा खतरा है। रिस्क लेने में इतना बड़ा जोखिम नहीं है जितना रिस्क न लेने में है। इस प्रकार पोइट इन तीनों पोइट जेनेट रेंट तीनों स्टेंजा में हमें रिस्क लेने के लिए, जोखिम उठाने के लिए, जीवन में जोखिम उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है, जिससे हम हमारी फ्रीडम को बनाए रख सकें, स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं, और उस स्वतंत्रता के माध्यम से हम हमारे जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सकें, हमारे मनवांछित इच्छाएं कार्यों को पूरा कर सकें। आगे जो नेक्स्ट स्टेंजा है थर्ड के बाद में, उनकी स्टडी हम करेंगे। और हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम अभी रिस्क पॉइंट के तीनों स्टेंजा, फर्स्ट थ्री स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन की है, इससे संबंधित आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैसेज सेंड कर सकते हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि पसंद आए तो उसको लाइक करें, और आगे आप से सिलेबस से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उनको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चंस आएंगे वो आपको बताए जाएंगे, इसलिए आप इन वीडियोस को शुरू से अंत तक देखते रहें और इसको अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को भी शेयर करें, जिससे वो इनका